मैं इस वक्त धनबाद स्टेशन में हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये सब आउटसोर्स कर्मी हैं जिन्हें रेलवे ट्रेन द्वारा जो यात्री आते हैं उनकी जांच ये लोग करते हैं। प्रतिदिन 2000 से ऊपर की जांच की जाती है। मैं और ये लोग काफ़ी परेशान है अभी। ये इन लोगों का कहना है कि हमें कई महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा है जिसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जानना चाहेंगे जो आउटसोर्स कर्मी हैं इनको क्या क्या परेशानियां हो रही है और कई महीनों से इन्हें पेमेंट नहीं दी जा रही है। मैम क्या नाम हुआ आपका? आफरीन। आफरीन जी आप क्या करते हैं? आप मैं वीएलयू हूँ यहाँ पे। क्या काम क्या होता है आप लोगों का? SRF ऑपरेटर हैं हम लोग। जितना मतलब पैसेंजर आते हैं उनका मतलब सारा डिटेल वगैरह सब कुछ लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, सब कुछ। कितने आप लोग कर्मी होंगे टोटल? लगभग लगभग 20-25 होंगे। हाँ। क्या दिक्कतें क्या परेशानियाँ हो रही है आप लोगों को? परेशानी सर यही है कि हम लोग 3 मंथ से हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा मिला नहीं है अभी तक। क्या कभी मांग करने की कोशिश की कि आखिर 3 महीने हो गए? सब हम सब बोले हैं बट कोई जवाब नहीं। इन 3 महीने बस बोला जाता है एक वीक रुक जाइए, इस मंथ नहीं आया है, अगले मंथ आ जाएगा। इन 3 महीनों में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? क्या बताएं सर, क्या किन पर्व त्यौहार भी आ रहा जी, है जी। ईद भी हम लोग का वैसे ही पार हो गया। अब 2 दिन बाद हम लोग का बकरीद है, वो भी शायद वैसे ही पार हो जाएगा। अब तक पेमेंट आया नहीं। 2 दिन बोला गया था बट 2 दिन में आया नहीं हम लोग का। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। त्यौहार भी पार हो जा रहे हैं लेकिन जब भी पेमेंट की मांग करते हैं तो 1-2 दिन का वक्त दिया जाता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर क्या नाम हुआ आपका? मुजफ्फर अहमद। क्या हुआ, क्या परेशानियाँ हो रही है सर? 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला अभी तक हम लोग को। बहुत ज़्यादा ही परेशानी सर, आने जाने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रहा सर अभी हम लोग को। क्या कहते हैं जो आपके ठेकेदार हैं वो क्या कहते हैं? वो तो बोलते हैं 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ फिर आ जाएगा, बट अभी तक आया ही नहीं पैसा। क्या इन 3 महीनों में पेमेंट नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा? बहुत ज़्यादा ही सर, बहुत ज़्यादा ही परेशानी करना पड़ रहा। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद समीर आलम हुआ। समीर जी जी, क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों? दिक्कतें बहुत हो रही है। हम लोग वेली हैं यहाँ पे, SRF ऑपरेटर करते हैं, ठीक है ना। 3 महीने से हमें सैलरी मिली नहीं है। हम लोग फैमिली वाले आदमी हैं, हम लोग फैमिली जरूरतें होती है। ईद हम लोग ख़राब हुआ, बाकी दिन परसों हैं। रोज़ बात करो, हाँ आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, हमारे जो ठेकेदार वो ठीक है, अभी तक सैलरी मिली नहीं है। क्या कहा गया था जब आपको काम पर लाया गया था? तो कहा गया था कि जो सैलरी आपकी है मंथ के 5 से 10 दिन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 महीने हम लोग हो गया, सबका किसी सैलरी मिली नहीं है। आजकल कर रहे हैं, आज हम यहाँ नहीं, आज हम वहाँ नहीं, आज बाहर, ये मतलब बहाना दिया जा रहा हम लोगों को। और एंड में ये कि हम लोग को सैलरी मिली नहीं है। तो क्या परेशानियाँ मतलब? परेशानी ये रही कि हम लोग किसी और से पैसा लेके आ रहे हैं, कर्ज लेके हम लोग चला रहे हैं 3 महीने कर्ज लेकर। काफ़ी अफसोस की बात है कि ये काम कर रहे हैं खुद का, लेकिन इन्हें प्रतिदिन किसी और से पैसे लेकर। आप देख रहे हैं कि महंगाई भी चरम पर है, राशन खाद्य सामग्री की दाम भी बढ़ी हुई है, तेल का कीमत भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। ऐसे में इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू अहमद है। सोनू जी क्या परेशानियाँ हो रही है? बहुत परेशानी। अभी देखिए हम लोग 15 किलोमीटर दूर से आते हैं, आने से अभी तेल का दाम 100 रुपये लीटर हो गया। दूसरे से पैसा लेके तेल डालते हैं गाड़ी में तो फिर आते हैं, अगर नहीं आएंगे तो ऑप्शन मरा जाएगा, ये भी बात है। आएंगे तो भी तो परजेंट होगा। तो भी सैलरी जो है 3.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 1 रुपये नहीं मिला है। 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, बस चूरन दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मतलब पूछो तो देते ही नहीं है, बस कि मिल जाएगा, सफर करो, मिल जाएगा, मिल जाएगा। 3 महीनों में जो आप धनबाद स्टेशन पर 3 महीनों से काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग देखिए जितना भी पैसेंजर गाड़ी उतरता है उसका नाम पूरा एड्रेस लिखते हैं हम लोग, पूरा डिटेल्स लेते हैं और फिर बाद में रिपोर्ट बना के देते हैं। शिफ्ट बाय शिफ्ट काम। हाँ, शिफ्ट बाय शिफ्ट डेंजर जोन में काम करते हैं हम लोग। क्या मांग कर रहे हैं अभी, क्या होना चाहिए अभी आप? सैलरी हम लोग को तुरंत से तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत से तुरंत सैलरी मिलनी चाहिए। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज हुआ सर, मोहम्मद परवेज अख्तर नाम है मेरा। परवेज, 3 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा आप लोग को, तो कैसे काम कर रहे हैं? कैसे प्रतिदिन घर से अपने साइड पर आते हैं फिर काम करके फिर घर जाते हैं? सर बस हमारा यही काम है कि हम लोग इनके सामान में काम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हमारे मजिस्ट्री लोग कहते हैं काम कर लो, हम लोग वो दिलासा देते हैं कि पैसे मिल जाएगा, हम हमारे NDC से बात करेंगे, आश्वासन दे के हम लोग को 3 महीना कर दिया गया, ठीक है। हम लोग के बस इतना है कि हम लोग सब एक यूनिटी है जो हम लोग सपोर्ट करते हैं सबका, इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा कि ईद में बोला गया था कि तुरंत पेमेंट करेंगे, नहीं हुआ। बकरीद का टाइम आया, बोला करेंगे, नहीं हुआ। अगर आप ज़्यादा फोर्स कीजिएगा तो फ़ोन रिसीव करना बंद कर देंगे। लास्ट में होता क्या है कि बोल दिया कि ठीक है आप मत आओ कल से, यही हम लोग जॉब सुनने को मिल जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सर अगर आप मुझे एक टाइम दे देते हैं तो उस टाइम में हमको मिल जाए, भले ही आप हमको 10-15 दिन के बाद बोल दीजिए, लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं परसों दे रहे हैं और आप हमको परसों नहीं दीजिएगा तो हम लोग भाई थोड़ा सवाल उठता है हमारे मन में भी कि हम लोग तेल का खर्चा कहाँ से निकाले, कैसे मैनेज करें। बहुत तरह की बातें, पढ़ाई लिखाई भी हमारी होती है, उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है हम लोग का।
काफ़ी परेशानियों का सामना करके ये कर्मी जो हैं ये धनबाद स्टेशन पर आते हैं और यात्रियों की कोविड जांच करते हैं। इनका यह मांग है कि जो भी हमारे ठेकेदार हैं, अधिकारी हमारे, वो हमें जल्द से जल्द पेमेंट दें, क्योंकि कई त्यौहार तो ऐसे पार हो गया है, फिलहाल अभी बकरीद है, वो कुछ अच्छे तरीके से बीत जाए, इनकी यह मांग है। धनबाद से लगातार न्यूज़ के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।